सभी दर्शक बंधुओं, कुछ दिन बाद जन्माष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है आप सभी सदा स्वस्थ रहे और खुश रहे। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी सिंघाड़ा के बर्फी। यह आप लोग भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में निवेदन कर सकते हैं या फिर व्रत अथवा उपवास के दिन बना के खा सकते हैं। यह बर्फी बनाना काफ़ी आसान है, तो चलिए बिना देर किए हुए सिंघाड़ा के बर्फी कैसे बनाया जाए देख लेते हैं। Thank you.
अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।